Hi guys, welcome to Manuver NCI Entrance Channel. If you want to crack NIT or IIIT, तो फिर आपको NIMCET 2025 के एग्जाम में मैथमेटिक्स सेक्शन में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, बिकॉज ये इकलौता सेक्शन है ओवरऑल पेपर में जिसका वेट है सबसे ज़्यादा है. ठीक है, 600 मार्क्स का पेपर है ये ओवरऑल. जो मैथ्स का सेक्शन आएगा ओवरऑल 1000 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे इनटू 12, 600 मार्क्स के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स के. और अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, देर इज़ नो वे आउट. ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूँगा टॉपिक, सब टॉपिक और उसका वेटेज, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि वेटेज किसका ज़्यादा है और किस वाले टॉपिक पे मैं पहले काम करूँ, सो दैट मेरा स्कोर एक ठीक ठाक आ जाए. मैं हमेशा बोलता हूँ 600 में से 400 के ऊपर अगर मार्क्स आ रहा है, उसके ऊपर जा रहा है तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम 400 आपको लाना पड़ेगा मैथ्स में अगर आपको अच्छे NIT में एडमिशन चाहिए तो. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड जो जो मैं बताऊंगा हो सके बुक और पेन लेके बैठो, जॉट डाउन भी करते जाओ, सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, और ये वीडियो शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड लोगों को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो बिफोर आई प्रोसीड, important update regarding the preparation and the batches. So in case if you want to join us for the NIMCET, MCACET or the other MCA entrance preparation, for classroom coaching you can visit Mumbai and Pune classroom coaching ke liye. So these are the details, you can contact our team on this number. And for live classes, agar aap Mumbai Pune based nahi ho to you can contact our team on this number, Pan Maharashtra Pan India. And self study course, books, mock test, un sab ka link unhe description mein diya hua hai, kindly check the description. So very first let's understand the paper pattern and the marking system. So this is what the updated paper pattern. 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे इनटू 12, ठीक है, 600 मार्क्स के लिए. अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 इज अ नेगेटिव मार्किंग, विच इज नथिंग बट 3 मार्क्स. तो 3 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, पेनल्टी है. और ये 12 मार्क्स भी जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपके 15 मार्क्स जा रहे हैं. सो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है. तो इसीलिए एक्यूरेसी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर NIMCET एग्जामिनेशन. तो अगर आप श्योर हो तो ही क्वेश्चन मार्क करो, अदरवाइज डोंट मार्क. तुक्का मटका नहीं मारना है. ओके, सो यू विल बी गेटिंग 70 मिनट्स का टाइम टू सॉल्व दीज 50 क्वेश्चन. मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मोर देन 1 मिनट का टाइम है. ओके, बट इफ यू नो टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव डन प्रैक्टिस वेरी वेल एंड यू नो बिट शॉर्टकट अबाउट द सम ऑफ द क्वेश्चन टाइप, है ना. शॉर्टकट मेजरली आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ हमने क्वेश्चन टाइप सॉल्व किया है, इसलिए सेम टाइप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पर हम टाइम सेव कर पाएंगे. ठीक है, सो टाइमिंग इसका 2 to 3:10 PM का है, तो 70 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा. सो आउट ऑफ 1600 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं मैथ सेक्शन से. एंड ओवरऑल टॉप NITs में भी अगर आपको जाना है तो 1000 में से 600 मार्क्स कंबाइनिंग लाइक अ लॉजिकल पार्ट, कंप्यूटर, इंग्लिश, पूरा मिला के सारे सेक्शन को 600 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको अच्छा NIT डेफिनेटली मिल जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक और उसका टॉप सब टॉपिक और उसका वेटेज क्या होगा. तो पहले मैंने कैलकुलस रखा हुआ है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है. 9 to 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और ये सारे टॉपिक है. सो इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यू लाइव और द क्लासरूम कोचिंग, इन सब के सेशन आपके होंगे इन डिटेल. एंड मॉक टेस्ट, इसके बाद फुल लेंथ मॉक, मॉक आई मीन टू से टॉपिक वाइज एंड द फुल लेंथ मॉक. और जो आपके सेशन में क्वेश्चन टाइप होंगे वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है. तो अगर आप NIMCET टारगेट कर रहे हो, टॉप NIT टारगेट कर रहे हो, तो ये सारे टॉपिक आपको कैलकुलस से प्रिपेयर करने होंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज सेट. सेट के अंदर बेसिक ऑफ सेट, देखो इसका जो है एप्लीकेशन आप बोलो या तो कंसेप्ट बोलो, जो यूज होगा आपके रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर. ठीक है, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन इसके कंसेप्ट को लेकर, थियरी को लेकर के. तो ये सारे टॉपिक है सेट के जो आपको सब टॉपिक कवर करने हैं. ओके, फॉलोड बाई रिलेशन एंड फंक्शन, तो 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके एग्जाम में. तो सेट, रिलेशन, फंक्शन अगर कंबाइन कर ले तो अराउंड 3 to 5, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन रफली आप बोल सकते हो यहाँ से बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके फॉर श्योर बनेंगे. तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करना है. मैंने कम्प्लीटली सब टॉपिक डिवाइड कर दिया सो दैट रिलेशन फंक्शन में आप कुछ भी मिस ना करो. ओके, तो इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड जहाँ पे आप स्टडी करते हो, और ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कंसेप्ट, एवरेज वाले क्वेश्चन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, मेजरमेंट एंड द सेंट्रल टेंडेंसीज वाले क्वेश्चन, डिस्पर्शन वाले क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे.
तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीम सिटी के एग्जाम में, फॉलोड बाय अलजेब्रा। यहाँ से भी 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, ऑल दी एक्सपांशन फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। नीम सिटी टफ इसलिए होता है कि मोर ऑफ अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, 2-3 टॉपिक के कंसेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन बनेगा। अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन टफ हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट एंड मेट्राइसिस लॉगरिथम, ओके, ये अलजेब्रा है आपका। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, 6 to 7 क्वेश्चन, ओके। सो कॉनिक सेक्शन तो करना ही करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दिस टॉपिक। सो काइंडली पॉज द वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये सेम चीज़ें आपके लेक्चर में भी होगी। एंड वेक्टर से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, सो 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है। स्केलर एंड दी वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने 11th 12th में बहुत अच्छे से मैथ्स नहीं किया हुआ है, और या तो फिर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, तो आपको भी जितने भी आपके क्वेश्चन टाइप है जो आपके सेशन में मिलेंगे, टेस्ट में मिलेंगे, 3 से 4 बार करने की ज़रूरत है, बिकॉज सेम टाइप रिपीट होगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। ट्रिग्नोमेट्री से भी 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, हाइट वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। बाकी ये सारे टाइप है जो आपको करना, इनवर्स फंक्शन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली ज्योमेट्री भी अपने को करना रहेगा। फॉलोड बाई लॉगरिथम, देखो एक तो लॉगरिथम होता है जहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के एप्लीकेशन जो यूज़ होते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज आप इस पकड़ के चलो नीम सिटी के एग्जाम में, और ये सारे टॉपिक फैक्टोरियल वगैरह आपको प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। सो मैंने कंप्लीट टॉपिक, सब टॉपिक और वेटेज आपको दे दिया है, एंड इसके हिसाब से आपकी पढ़ाई चालू कर दो। आप प्रोग्रेशन में आपको AP, GP, HP एंड AGP वाले एंड सम स्पेशल सीरीज 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड लास्टली बाइनोमियल थ्योरम अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन, इसके भी आप पकड़ के चलो, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो इन मैथ सेक्शन 50 में से कोशिश करो 40+ क्वेश्चन राइट होने के, इंटू 12 तो 480 मार्क्स होते हैं आपके, मतलब 400 आ रहे हैं आपके 600 में से इन मैथ सेक्शन, बहुत अच्छा स्कोर है, NIT पक्का मिलेगा। इसके साथ साथ आपको लॉजिक, कंप्यूटर और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपके आउट ऑफ 400 आप कोशिश करो वहाँ पे 200+ लेके आ जाओ, तो 400, 200, 600 हो गया, 600 में आपको NIT मिल जाएगा अच्छा खासा। सो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो सेक्शन वाइज अगेन वेटेज, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी, अगर मैथ्स वीक है तो बाकी के सेक्शन में कैसे मैनेज करना है, 600+ कैसे लेके आना है, टॉप NITs कैसे क्रैक करना है, ये सारे वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैन्यूवर MCA एंट्रेंस, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी वीडियोस रिगार्डिंग NIMCET, MCACET एंड CUET PG एग्जामिनेशन। शेयर कर दो इस वीडियो को सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।